अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो चलो बच्चों, हम लोगों ने कर्सिव अल्फ़ाबेट में कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स कंप्लीट की है, चलो सब लोग मेरे साथ बोलो। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और छे। हम लोगों ने 10 अल्फ़ाबेट्स कंप्लीट किए। तो आज हम सीखेंगे के फॉर काइट, के कर्सिव में कैसे लिखते हैं। मैं आपको थोड़े बड़े हैंडराइटिंग में यहाँ पे पहले समझाती हूँ, दिखाती हूँ कैसे लिखना है, फिर हम लोग रेड लाइन से ब्लू लाइन सीखेंगे। तो चलो सब बच्चों अपनी नोटबुक और पेंसिल निकालो और यहाँ पे देखो किस तरह से मैं के लिख रही हूँ। यहाँ पे देखो, इस तरह से पहले स्लांटिंग लाइन करनी है इस तरह से, फिर यहाँ रेड लाइन से ब्लू लाइन में स्लांटिंग करेंगे हम, फिर यहाँ से इस तरह से स्लांटिंग करेंगे, ये हमारा बन जाएगा के फॉर काइट। इसी तरह से ये देखो, यहाँ पे इस तरह से हम स्लांटिंग लाइन करेंगे, फिर रेड लाइन से ब्लू लाइन में स्लांटिंग लाइन करेंगे और यहाँ से भी हम स्लांटिंग लाइन करेंगे, तो हमारा बन जाता है के। इसी तरह से हम यहाँ पे एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं, इस तरह से स्लिपिंग लाइन जैसे थोड़ा स्लांट करेंगे, रेड लाइन से ब्लू लाइन इस तरह से हम स्लांटिंग करेंगे थोड़ा सा कर्व, फिर इस तरह से हमारा बन जाएगा के फॉर काइट। देखो यहाँ पे ध्यान दो, इस तरह से हम क्या लिखेंगे, के फॉर काइट। क्या लिखेंगे बच्चों, के फॉर काइट। चलो बच्चों, तो हम लोग रेड लाइन से ब्लू लाइन किस तरह से लिखना है वो समझेंगे। तो देखो, रेड लाइन से ब्लू लाइन इस तरह से, फिर यूं स्लांटिंग लाइन करके थोड़ा सा कर्व, रेड लाइन से ब्लू लाइन स्लांटिंग लाइन और फिर से रेड ब्लू लाइन से ब्लू लाइन तक स्लांटिंग लाइन, तो हमारा बन जाता है के फॉर क्या होता है बच्चों, के फॉर काइट हो जाता है। क्या होता है बच्चों, के फॉर काइट। इसी तरह से आपको एक पेज क्लास वर्क और एक पेज क्या करना है, होमवर्क। देखो इस तरह से ऐसे स्लिपिंग लाइन जैसे थोड़ा कर्व जैसे करना है, फिर रेड लाइन से ब्लू लाइन स्लांटिंग करनी है, फिर छोटा सा स्लाइड कर्व, फिर रेड लाइन से ब्लू लाइन स्लांटिंग लाइन, फिर ब्लू लाइन से ही टच करके ब्लू लाइन तक स्लांटिंग लाइन, तो हमारा बन जाता है के फॉर काइट। क्या हो गया बच्चों, के फॉर काइट। इसी तरह से आपको फुल पेज एक क्लास वर्क करना है और एक फुल पेज होमवर्क करना है, ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा है। तो चलो बच्चों, के बाद क्या आता है, एल, एल फॉर लायन। एल किस तरह से लिखा जाता है, देखो इस तरह से स्लांटिंग लाइन करनी है, फिर इस तरह से कर्व और इस तरह से हमें क्या करना है, ये हमारा बन सकता है एल, एल फॉर लायन। क्या बन गया बच्चों, एल फॉर लायन। यहाँ पे ध्यान दो किस तरह से मैंने एल लिखा, देखो यहाँ पे इस तरह से स्लांटिंग लाइन करनी है, इस तरह से छोटा सा कर्व करके यूं करना है और यहाँ से टच करके ये छोटा सा फिर से कर्व करके, तो हमारा बन जाता है एल, एल फॉर लायन। क्या बन गया बच्चों, एल फॉर लायन। देखो यहाँ पे ध्यान दो, इस तरह से स्लांटिंग लाइन करनी है, फिर इस तरह से कर्व करके यहाँ से छोटा कर्व, तो हमारा बन गया एल। क्या बन गया बच्चों, एल, एल फॉर लायन। क्या बन गया बच्चों, एल फॉर लायन। ये तो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए इस तरह से दिखाया है। अब रेड लाइन से ब्लू लाइन किस तरह से लिखते हैं मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। चलो बच्चों देखो, यहाँ पे बहुत कॉन्सेंट्रेट करो, अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके देखो यहाँ पे किस तरह से हमें लिखना है। देखो यहाँ पे रेड लाइन से ब्लू लाइन स्लांटिंग लाइन करनी है, इस तरह से कर्व करके और यहाँ से कर्व करना, तो हमारा बन गया एल। क्या बन गया बच्चों, एल, एल फॉर लायन। देखो इस तरह से स्लांटिंग लाइन, इस तरह से कर्व करके यहाँ से कर्व, हमारा बन गया स्लांटिंग लाइन। क्या बन गया बच्चों, स्लांटिंग लाइन, तो हमारा बन गया एल, एल फॉर लायन। इसी तरह से हम यहाँ पे एक पेज फुल क्लास वर्क करेंगे और एक पेज फुल होमवर्क करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, होमवर्क करेंगे, रेड लाइन से ब्लू लाइन स्लांटिंग लाइन करेंगे, फिर छोटा सा कर्व करके यहाँ से कर्व,
हमारा बन गया एल, एल फॉर लायन। तो चलो बच्चों आज हम लोगों ने क्या सीखा, कौन से अल्फाबेट सीखे वो भी कर्सिव में। तो हम लोगों ने के फॉर काइट सीखा और एल फॉर लायन। के फॉर काइट एक पेज क्लास वर्क, एक पेज होमवर्क करना है, और एल, एल फॉर लायन एक पेज क्लास वर्क और एक पेज होमवर्क करना है। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आया और आप बहुत अच्छे से करोगे। यस बच्चों, वेरी गुड। तो चलो बच्चों आज के लिए इतना बहुत है, आपको घर पे होमवर्क करना है। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।